प्रदेश की खट्टर सरकार भले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राग अलापते नहीं थकती हो, लेकिन उसके बावजूद रेवाड़ी में दुष्कर्म के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी के चलते रेवाड़ी जिले के गांव करावरा माणकपुर में फिर एक युवक द्वारा एक विवाहिता को अपनी हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल गांव नूरपुर के रहने वाले 19 वर्षीय मनीष का करावरा माणकपुर में रहने वाली एक विवाहित के घर आना जाना था। बीते दिन मनीष ने विवाहिता को अकेला पाकर उसे जबरदस्ती अपनी हवस का शिकार बना डाला और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। विवाहिता ने जब परिजनों को आप बीती बताई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामला आया था, एक पड़ोस गांव में है, तो उन्होंने बताया कि भाई कोई नूरपुर का लड़का है, उनके घर से जबरदस्ती उस लड़के के साथ उसने गलत काम किया और उसने फिर पुलिस में शिकायत करी। इस बारे में किन किन धारावाहिक मामले पर? 376, 452, 506। कौन युवक कौन है? युवक कौन है? युवक नूरपुर गांव का मनीष। क्या गिरफ्तारी हो गई? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने मैडम मेडिकल करवाया? मेडिकल की पुष्टि में तो डॉक्टर क्लियर तो लिखते नहीं, कैन नॉट भी रूल्ड आउट लिखते हैं, बाकी प्लान दे रखे उनके रिजल्ट पर बेस पे जाएगा। तो क्या उम्मीद करें आरोपी की, कब तक गिरफ्तारी होगा? शीघ्र हो जाएगी।